बाड़मेर के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कई बार नगर परिषद में शिकायत करने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर परिषद कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। धरनार्थी सफी मोहम्मद ने बताया कि आयुक्त के सरकारी आवास के सामने धड़ल्ले से अवैध रूप से दुकानें बनाने के साथ केबिन रखकर अतिक्रमण किया जा रहा है और प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। बाड़मेर नगर परिषद आयुक्त के आवास के ठीक सामने स्थित अवैध कैबिन और दुकानों को हटाने को लेकर बाड़मेर के एक नागरिक ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। बाड़मेर की सिटी कोतवाली के पीछे रहने वाले सफी मोहम्मद ने नगर परिषद आयुक्त के आवास के ठीक सामने स्थित अवैध कैबिन और दुकानों को हटाने को लेकर कई मरतबा शिकायतें की, लेकिन उसकी शिकायतों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न होने से वह भूख हड़ताल पर बैठ गया है। तीन दिन से आमरण अनशन पर बैठे सफी मोहम्मद ने बताया कि उसके द्वारा बाड़मेर जिला कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त, नगर परिषद सभापति और संभागीय आयुक्त जोधपुर के साथ साथ कई मर्तबा ऑनलाइन शिकायतें इस मामले को लेकर दर्ज करवाई जा चुकी है। साथ ही 6 अगस्त को उसने जन सुनवाई के दौरान इस मामले को लेकर परिवाद भी पेश किया था, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा जल्द कार्रवाई के आश्वासन दिए गए थे, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर उसने आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। उसने बताया कि उसके द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को 13 जून को प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर बाड़मेर जिला कलेक्टर ने 3 दिन के अंदर अंदर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन वह आदेश केवल कागजों में ही रह गए। अतिक्रमण करने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने उसको जान से मारने की धमकियां भी दी, जिसको लेकर उसने बाड़मेर कोतवाली के अंदर शिकायत दर्ज कराए, बावजूद इसके अभी तक अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया है। कलेक्टर बाड़मेर को भी इस आयुक्त के बंगले के सामने अवैध रूप से बनी दुकान की शिकायत करी थी, उससे कार्रवाई नहीं होने के कारण मैं इस अनशन पे बैठा हूँ। आज तीन रोज हो गए, उस पर आज कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और आज हाल में मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ और धूप से बचने के लिए मैंने एक टेंट की व्यवस्था करी थी। टेंट मैंने लग भी चुका था, लेकिन पुलिस कोतवाली के सीआई साहब ने कहा कि आप यहां लगा नहीं सकते, ना धरना प्रदर्शन कर सकते, अगर करोगे तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा करूं। उसके द्वारा विभिन्न स्तरों पर दर्ज करवाए गए मामलों और शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे व्यवस्था से व्यथित होकर उसने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। शफी मोहम्मद का आमरण अनशन पिछले 3 दिन से जारी है।